नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों में देखा जाता है कि पकड़ुआ विवाह करवा दिया जाता है। हाल की फिल्म की बात करें तो अतरंगी रे में भी आपने कुछ ऐसा ही देखा होगा, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। खासकर बिहार की बात करें तो बिहार के क्षेत्रों से कई ऐसे मामले निकल कर आते हैं जहां पर जबरदस्ती लड़के लड़की की शादी करा दी जाती है, जिसके बाद लड़का लड़की कुछ कर भी नहीं पाता है। ऐसे में एक और ताजा मामला सामने निकल कर आया है जहां पर एक युवक अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने गया था और जब वो वहां उसके ससुराल पहुंचा, लोगों ने उसकी पकड़ कर जबरदस्ती एक दूसरी लड़की से शादी करा दी। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है सब पकड़ुआ विवाह को लेकर, और देखिए कि आखिर कैसे जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। लड़के की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है, कैसे लड़के ने इस शादी का विरोध जताया है, पहले आप सारे विजुअल्स को देखिए। एक आदमी जा दुकान में से सिंदूर लेने आबो, सिंदूर लाओ, सिंदूर 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 लाओ, हां भैया सिंदूर लाओ, सिंदूर लाओ। जैसा कि आपको पता है लड़के के पिताजी शादी से नाखुश हैं, तो आप इन दोनों का जिम्मा लेंगे ना? गार्जियन से बात हो चुका है, गार्जियन से बात हो चुका है, हम खुद बात रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में। बहन को ससुराल पहुंचाने युवक आया था, ग्रामीणों ने पकड़ कर उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। युवक लगातार विरोध जताता रहा, लेकिन अब लगातार विरोध के बावजूद ग्रामीणों के सामने उसकी कुछ भी नहीं चली। यह मामला समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र से निकलकर सामने आया है, जहां पर मोरवा से एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो पकड़ुआ विवाह का है, जहां लड़की की इच्छा के खिलाफ उसे पकड़कर उसकी शादी ग्रामीणों और लड़की के परिवार वालों के द्वारा मंदिर में ले जाकर करवा दी गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है और लोगों की कई प्रतिक्रिया निकल कर सामने भी आ रही है, लेकिन आखिरकार उसका विरोध जताना भी बिल्कुल व्यर्थ गया और उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी गई। ऐसे कई मामले निकल कर सामने आते हैं, खासकर बिहार के ग्रामीण इलाकों से ऐसे पकड़ुआ विवाह के मामले देखने को मिलते हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, प्रशासन की तरफ से क्या कड़ा कदम उठाया जाता है, और इस पकड़ुआ विवाह जो कि लगातार बिहार में देखने को मिलता है, उसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए इस पूरी खबर में इतना ही है, नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।